नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। द्वितीय दिवस के दंगल में शोभित कानपुर को पटकनी देकर सुनील पंजाब ने जीता दंगल। डेली जनमत न्यूज जालौन डाकौर क्षेत्र के कुसमिलिया गांव में चल रहे चार दिवसीय मेले के दूसरे दिन सोमवार को दंगल का समापन हो गया। इसमें 40 से अधिक पहलवानों के बीच कुश्ती हुई, जिसमें गैर जनपदों से आए पहलवानों ने अखाड़े में दांव पेच दिखाए। दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। 3,000 रुपए इनाम की रोमांचक कुश्ती पंजाब के सुनील पहलवान ने जीती। उन्होंने कानपुर के शोभित पहलवान को धूल चटाई। दो दिवसीय दंगल के दूसरे दिन पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, जिसके साथ दांव पेच दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को पटकनी देकर धूल चटाई। ये बार बड़ी प्यारी कुश्ती हो रही है नेपाल और नकल के बीच। ये बंडे पहलवान हमारे जो नेपाल, ये देखो ये बात क्या बात है, क्या कुश्ती नहीं हुई बंडी पहलवान, कुश्ती नहीं हुई अभी नहीं। अभी पब्लिक बताएगी भैया कुश्ती हो रही क्या, कुश्ती नहीं हुई बंटी पहलवान। अरे तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है भाई। देखिए कानपुर की पहलवान और नेपाल की पहलवान, लखनऊ एक लखनऊ की पहलवान है। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।